दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्कट्राज। ये मूवी सन 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे डॉन सेगल और इस मूवी का बजट था 8 मिलियन डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 43 मिलियन डॉलर की। सो आइए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है ईयर 18 जनवरी 1960 सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद हमें दिखाई देता है मूवी का जो नाम है वो है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज। तो इसमें अल्काट्राज एक प्रिजन का नाम है। तो फिल्म के मुख्य कलाकार जिनका नाम है क्लिंट ईस्टवुड, जो इस फिल्म में किरदार निभा रहे मॉरिस का, और उन्हें यहाँ पे बंदी बनाए के लाया जाता है। उनकी यहाँ पे जांच होती है और उन्हें जेल में भर्ती करवा दिया जाता है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाई देता है कि फिल्म के मुख्य किरदार मॉरिस, उनकी सवेरे जांच होती है और सभी को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर हमें मॉरिस खाने के टेबल पे दिखाई देता है और कैंटीन में ही हमें दिखाई देता है वुल्फ नामक व्यक्ति जो उसे चिढ़ा रहा होता है, और वहाँ पे उसकी दोस्ती लिटमस से हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अपन वार्डन जो मॉरिस को बुलाता है उसके दफ्तर में। फिर मॉरिस अपना जो कमरा है वो चेक करता है और देखता है कि यहाँ से कहीं भागने की जगह तो नहीं है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ जो मॉरिस पे हमला कर देता है और वहाँ पे दोनों की झड़प हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस की जो जॉब है वो लाइब्रेरी में लग जाती है, मीन्स उसे लाइब्रेरी का काम दिया जाता है जेल में। फिर उसकी मुलाकात होती है चार्ली बर्ड से जो उसका नेबरहुड रहता है जेल में। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें कैंटीन में दिखाई देता है कि दो नए कैदी वहाँ पे आ चुके हैं जिनका नाम होता है जॉन एंड एंजेलिन। वो बैंक रॉबर होते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने लास्ट जेल में कैसे भागने की कोशिश की थी, इसके वजह से उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया होता है। और वहाँ पे वो दो ब्रदर्स मॉरिस को पूछते हैं कि यहाँ से कोई। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिस जो अपने जेल में चेक करता है कि नेल कटर से क्या हम रॉड काट सकते हैं, तो वो चेक करता है कि नेल कटर से की जाली और ग्रिल काट सकते हैं या नहीं। फिर हमें मॉरिस दिखाई देता है कैंटीन में जो अपने चार दोस्तों के साथ भागने की बात करता है। तो दोस्त पूछते हैं कि भागने की क्या प्लानिंग है, तो मैरिस अपना मास्टर प्लान बताता है कि वो कैसे भागेंगे। तो खाने के दोस्त पे सभी दोस्त साथ मिलते हैं जिसमें चार दोस्त होते हैं, एक मॉरिस, एक चार्ली और जॉन और एंजेलिन। तो मॉरिस अपना मास्टर प्लान बताता है कि हम कैसे जेल से भाग सकते हैं। वो बताता है कि जेल की दीवारें पुरानी हो चुकी है और उसमें जंग भी लग गया है। वो बताता है कि उसने नेल कटर से दीवारें को कट करने की कोशिश भी की है और वो बोलता है कि हम उसे कट भी कर सकते हैं, और ग्रिल तोड़ के छत से वो पानी के रास्ते भाग सकते हैं। लेकिन भागने के लिए उन्हें कुछ रेनकोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो लाइफ जैकेट्स और बोट बना सकते हैं, और वो फिर एक एक काम सबको बांट देते हैं। और इसका प्लान होता है कि मैगजीन से कार्डबोर्ड बनाए और ग्रिल की तरह दिखने वाले उसके रंग दें ताकि जब भी वो काटे उसके जगह वो नकली ग्रिल लगा दे ताकि किसी को शक ना हो। और वो रात में भागने का प्लान बनाते हैं और नकली सर भी बनाते हैं ताकि रात को सोते समय कोई उन्हें देख ना सके कि वो जाग रहा है। और रेनकोट से वो लाइव जैकेट बनाते हैं और नाव बनाने की भी सोचते हैं। फिर हम रात में देखते हैं कि मॉरिस जो है वो ग्रिल तोड़ने की तैयारी में लग जाता है। फिर हमें दिखता है कि मॉरिस चमचा चुराने के लिए कैंटीन में बोलता है कि मुझे चमचा बदलना है, तो वहाँ पे सबके से वो चमचा चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मॉरिस एक नकली पुतला बना देता है
ताकि कोई शक न कर सकते जब रात में वो ग्रिल तोड़ रहा हो। फिर हम देख सकते हैं कि मॉरिस ने सक्सेसफुली ग्रिल तोड़ दी है और वो बाहर भी जा सकता है। हर बार मॉरिस रात को बाहर जाके देखता है कि भागने का रास्ता पूरा तरह से तैयार हुआ है कि नहीं, लेकिन उससे रुकावट आती है कि वहाँ पे एक ग्रिल दिखती है जी जो कि भागने का रास्ता होता है। तो वो रात में चार्ली के साथ जाता है और वो ग्रिल तोड़ने की कोशिश करता है कि क्या वो ग्रिल तोड़ सकते हैं और वहाँ से भागेगी। फिर हम देखते हैं कि मॉरिस को उस पर सॉरी वार्डन को उस पर शक हो जाता है कि कहीं मॉरिस भागने का प्लान तो नहीं कर रहा है। तो अगले सीन में हम देख वार्डन उसके रूम में जाता है और वो जांच करता है कि कहीं इन्होंने भागने का रास्ता नहीं बनाया। फिर रात में हम देखते हैं कि चार्ली जो अपने बेड पर रोता हुआ दिखाई देता है क्योंकि मॉरिस जो है सक्सेसफुली अपने प्लान में कामयाब हो चुका है और वो बाहर निकल चुका है, और जो बट है वो अपने ही जेल में कैद है और वो बाहर निकलने में नाकामयाब हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और एंजेलिनो और मॉरिस तीनों जेल से बाहर आ चुके हैं और वो रेनकोट से एक नाव बनाते हैं और लाइफ जैकेट बनाते हैं और फाइनली वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लास्ट में हमें वार्डन दिखता है जो नदी के किनारे बैठा होता है और फिर हमें पता चलता है कि वो जो है उसे एक फूल दिखता है जो हमेशा मॉरिस उसको उसे दिखाता रहता है। फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों सक्सेसफुली वहाँ से भाग। सो ये था एस्केप फ्रॉम अल्कैट्राज का मूवी एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी मूवी लाते रहूँगा। और ये जो अल्कैट्राज की कहानी है वो एक रियल कहानी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।